अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई यानी अक्षय कुमार नहीं, सलमान खान नहीं, शाहरुख खान नहीं यार, वहाज खान। आपका भाई वहाज खान 1 घंटे की नींद लेकर सुबह उठ चुके हैं। अब हमने जाना है नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो जो पीछे खड़ा ना, उसको कुर्बान करना है। अदील आ चुकी हैं और हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। आज इनकी बर्थडे भी है। तो ये मोटा कितने साल का हो गया? मोटा 24 साल का हो गया। मोटा 24 साल का हो गया माशाल्लाह, मेरे से कोई 4-5 साल बड़ा है। बाकी हम नमाज़ पढ़ने पैदल जाते हैं, यहाँ से कोई 5 मिनट की वॉक है मरकज़ी जामिया मस्जिद में। तो आपको मस्जिद चेक करवाता हूँ मैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो हमारी नमाज हो गई है। ये अब्दुल्ला है, इसका भाई जैन है, उसको तो आप जानती हैं। बाकी आप इस मस्जिद की गेम्स चेक करें। यार नमाज हमने ईद की पढ़ ली है और ये लोग हैं जो मेरे साथ थे और वो पीछे मस्जिद मारी गया माशाल्लाह से। अब यहाँ पे फोटो सेशन होगा, पिक्चर्स बनेंगी सबकी, उसके बाद फिर हमारे घर जाएंगे। यार नमाज भी पढ़ ली है, फ़ोटो शूट भी हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं घर। ठीक है, ये सैम्स गैलरी साथ है हमारे और ये साथ जेरल्स गैलरी जेरल्स। तो अब हम जा रहे हैं घर और हम चले हैं अपने घर की तरफ और वॉक एंड की ब्यूटी देखें यार। मतलब कितना प्यारा है वॉक एंड। अभी बस इसको अब ज़िबा करना है, तो कपड़े शपड़े चेंज करने पड़ेंगे। जाहिर है कुर्ता तो गंदा हो जाएगा ना, खून वैसे लगेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी चेंज करना ज़रूरी है। वो हमारा ज़िबा हो गया था, तो अब ये काम चल रहा है। काम चल रहा है अभी तक सही माशाल्लाह। आप देख सकते हैं गोश्त की मकदार। यार मैं आज जिलम जा रहा हूँ और क्या नाम है, सुबह फिर जल्दी उठ गया हूँ। आज नींद में सोया हुआ, अभी भी इतनी सख्त नींद आ रही है। खैर चलते हैं जिलम। हेलो जी, हम यहाँ गुजर खान स्टे कर रहे हैं चाय वगैरह पीने के लिए। मैं तो सारे रास्ते सोता हुआ आया हूँ, अभी उठा हूँ चाय वगैरह पी के फिर जिलम। आपको भाई ऐसे फ़ोन पकड़ के व्लॉगिंग कर रहे हैं आजकल? फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहे हैं ऐसे पकड़ के विदाउट एनी ट्राईपॉड। बाकी ये शीशा कितना प्यारा है यार। तो हम जिलम पहुंच चुके हैं। आपको वो पीछे पानी नज़र आ रहा है, वो दूर वो दरिया जिलम है। यार पहले यहाँ पे ये होता था कि नीचे सामने ये रोड नहीं है, तो यहाँ पे पानी पानी होता था, मतलब पानी के अलावा कुछ होता ही नहीं था। अब पता नहीं इंडिया ने पानी बंद कर दिया, तो अब यहाँ पानी होता ही नहीं है।
वो दूर दराज थोड़ा सा पानी है बस, उसके अलावा और भी पानी है ही नहीं। वो जो ओल्ड ब्रिज है जेलम का, ये सारा ये पता नहीं अंग्रेज़ों ने बनाया था कोई 100 साल पहले, तब का बना हुआ है, ना टूटा है ना दोबारा ठीक हुआ है। लगता है ऐसे कि इसके ऊपर कोई जाए तो पता गिरने वाला है। बस सिर्फ एक दरिया की क्लिप के लिए आपका भाई इतनी नीचे से ऊपर आया है। गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, मेरी आँखें खुल रही नहीं है इस टाइम सूरज की वजह से। लेकिन सेकंड फ्लोर से मैं फिफ्थ फ्लोर पे आया हूँ सिर्फ वीडियो के लिए, व्लॉगिंग के लिए। इतना आसान नहीं होता भाई ये काम। ये है दरिया झेलम, बस जो रह गया है। आज से कुछ सालों पहले यहाँ पे पानी पानी होता था बस, और बस भी नीचे जाएंगे और खाना शाना खाएंगे, पसीना आ गया है, बस चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हम झेलम से वापस जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैक होटल पे चाय पीने के लिए रुके हैं। ये मोटा फिर मेरे साथ है और बस चाय पियेंगे घर जाएंगे। और कल ईद का तीसरा दिन है, अगर कुछ अच्छा हुआ तो लाजमी डालेंगे व्लॉग में, अगर ना अच्छा हुआ तो आप बस यहीं पे एंड है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यार हम लोग अभी सिंगर बर्गर खाने आए हैं स्पेशल। ये हमजा साथ है और वो नान है बस। यार बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि तीसरे दिन कुछ खास करने को था नहीं, तो बस अब यहाँ भी व्लॉग एंड है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।